Hello everyone, welcome once again to our channel. This is Arnob Kumar Manna, an art teacher, freelance artist and career counselor. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि पार्ट वन वीडियो में आप लोग इतना प्यार दिए, आप लोग देखें उसको वीडियो को. और अगर कोई चैनल में नए हैं और पार्ट वन वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर अभी पार्ट वन वीडियो को देख सकते हैं. अभी नहीं, पार्ट टू वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट वन वीडियो को देख सकते हैं. फ्रेंड्स, मैं बता दूं, पार्ट वन वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखा रहा था कि एक्रिलिक पेंटिंग को कैसे करते हैं और एक बिगनर लेवल में, स्टार्टिंग लेवल में कैसे करते हैं. और पेंटिंग में आप लोग देखे हैं फास्ट में कैसे कलर चढ़ाते हैं, और मैं हर जगह में कलर चढ़ा लिए थे. ओके, और इन दिस पार्ट टू वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू इन डिटेल्स, राइट. इस पार्ट टू वीडियो में मैं आप लोग को बिल्कुल डिटेलिंग में मैं दिखाने वाला हूँ और पेंटिंग को आज फिनिश करने वाला हूँ. सो लेट्स बिगिन. फ्रेंड्स, इसमें देख रहे हैं पेंटिंग में लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एक्रेलिक पेंटिंग है और इसमें रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए पेंटिंग उतना क्लियर नहीं दिख रहा है. आई एम सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज फॉर दैट. फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में मैं डिटेलिंग के लिए ट्राई कर रहा हूँ. साड़ी में आप लोग देखे थे मैं बिल्कुल आंचल में, पहाड़ में, पूरा साड़ी में फ्लैट कलर कर लिए थे. अभी धीरे धीरे साड़ी में डिटेलिंग में करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि साड़ी का जो फोल्ड्स, जो ड्रैपरी विच इज़ कॉल्ड एज, ओके, उसको मैं करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ. और उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ सेम ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर के साथ थोड़ा सा ब्लू, डार्क ब्लू, यानी कि अल्ट्रामैरिन ब्लू मिक्स किया. और जहाँ लाइट टोन है वहाँ मैं लाइट ग्रीन के साथ थोड़ा सा येलो को मिक्स कर रहा हूँ. फ्रेंड्स, चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर अभी सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. फ्रेंड्स, इसमें देख रहे हैं साड़ी में मेरा डिटेलिंग ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लाइट टोन को मैं यूज कर रहा हूँ. और इसमें ध्यान दें कि जब इसको थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट में आप दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसमें सिर्फ ना तो केवल डार्क टोन यूज करें, उसके साथ डार्क टोन, लाइट टोन के साथ साथ मीडियम टोन भी यूज करें, क्योंकि मीडियम टोन अगर यूज नहीं करेगा तो उसमें थोड़ा स्टिफ हो जाएगा. मैं साड़ी का हर जगह में काफी डिटेलिंग में नहीं किया, अब ब्लाउज में थोड़ा सा डिटेलिंग कर रहा हूं. ब्लाउज में जहां थोड़ा डार्क टोन यूज कर रहा हूं उसके लिए मैं येलो के साथ जरा सा ऑरेंज कलर और जरा सा ग्रीन कलर, जस्ट अ लिटिल टच ऑफ ग्रीन, उसको मैं यूज कर रहा हूँ. देख रहे हैं आप लोग कि येलो का डार्क टोन हो गया, जैसे येलो ऑकर, थोड़ा डार्क येलो ऑकर की तरह लग रहा है. सॉरी, इसमें लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए उतना क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, बट फ्रेंड्स आई प्रॉमिस यू पेंटिंग जब फिनिश हो जाएगा वीडियो का एंड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसमें आप लोगों को काफ़ी डिटेलिंग में पता चलेगा. एक्चुअली एक्रिलिक कलर में रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है बिकॉज इट टर्न्स इंटू लाइक रबर, ओके, इलास्टिक जैसा हो जाता है, रबर जैसा हो जाता है, इसलिए लाइटिंग का रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है. और अगर लाइट मैं इसमें कम रखूँ तो उसमें पेंटिंग आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा. मैं उनकी जो नेकलेस है उस नेकलेस को मैं कर रहा हूँ. नेकलेस में जब कलर करिएगा उसमें ध्यान दें कि सेम एक ही टोन का कलर लेके हर जगह में ना करें, कहीं डार्क कहीं लाइट करें, कुछ बाल निकला हुआ है, सो आई एम गोइंग टू जस्ट शो हर हेयर. ये है पीछे वाला. आप मुझे फेसबुक में और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं. अब मैं ये जो सीढ़ी है स्टेप्स में कलर कर रहा हूं.
यहाँ थोड़ा मैं रेड बढ़ाता हूँ, लेकिन डायरेक्टली रेड नहीं, रेड के साथ थोड़ा सा ऑरेंज मिला करके, और नीचे तरफ रेड के साथ जरा सा ऑरेंज और ग्रीन थोड़ा, और ब्लू जस्ट लिटिल टच करके मैं कलर कर रहा हूँ, क्योंकि पेंटिंग में वहाँ जब तक मैं डार्क नहीं बढ़ा रहा था तब तक सब्जेक्ट में उतना ध्यान नहीं आ रहा था। फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को अगर लगे कि मैं ब्लैक यूज कर रहा हूँ, लेट मी टेल यू आई एम नॉट यूजिंग ब्लैक एट ऑल, मैं बिल्कुल भी ब्लैक यूज नहीं कर रहा हूँ इसमें। जहाँ सबसे डार्क टोन यूज करना है वहाँ आप रेड के साथ सिर्फ थोड़ा सा ब्लू और ग्रीन टच करें। वॉल में ऊपर तरफ थोड़ा डार्क बढ़ा रहा हूँ, जिसके लिए मैं रेड के साथ थोड़ा सा येलो और उसके बाद जरा सा ग्रीन को मिक्स किया, और नीचे तरफ ऑरेंज को थोड़ा थोड़ा यूज कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन शो यू नो अ ग्रेडियंट इफेक्ट। फेस का लाइट दिखाने के लिए मैं वहां जरा सा डार्क बढ़ा दिया। लाइटिंग का इफेक्ट दिखाने के लिए मैं, ताकि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि उनके फेस जिस साइड में है उस साइड से एक लाइट आ रहा है, येलो लाइट, इसलिए फेस में थोड़ा सा येलो दिख रहा है ज़्यादा, और उस येलो का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है वॉल में, इसलिए मैंने वहाँ येलो थोड़ा यूज किया। अब यहाँ थोड़ा ऑरेंज यूज कर रहा हूँ ताकि एक ग्रेडियंट इफेक्ट हो, डार्क के बाद एक मीडियम टोन हो। फ्रेंड्स, इसमें अगर सिस्टमेटिकली डार्क से एकदम लाइट एकदम ब्लेंड करें उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं कहीं थोड़ा डार्क कहीं बीच बीच में थोड़ा लाइट भी छोड़ रहा हूँ। यहाँ एक छोटा सा शेल्प जैसा मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऑरेंज कलर को यूज कर रहा हूँ डार्कर एरियाज में, ऑरेंज के साथ थोड़ा सा रेड यूज किया और उसमें थोड़ा ग्रीन टच किया। बिगिनर्स के लिए ये एक प्रॉब्लम होता है कि जब डार्क कलर बनाना चाहते हैं या फिर लाइट कलर बनाना चाहते हैं उसमें कलर डर्टी हो जाता है, फ्रेश नहीं रह पाता है। यहाँ मैं एक छोटा सा एक दिया लंटन जैसा है उसको मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये है वॉल का ऑपोजिट साइड, इसमें थोड़ा सा मैं डार्क बढ़ा रहा हूँ, और जो पोर्शन लंटन के थोड़ा सामने है उस जगह में थोड़ा सा लाइट रखा जैसे आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ थोड़ा हल्का सा गेट जैसा मैं बना रहा हूँ। गेट का लाइन जब आप दिखाइएगा उसमें कोशिश ना करें कि पूरा एकदम डिटेलिंग में एकदम लाइन खींचना, नो, लाइन में थोड़ा ब्रेक होना जरूरी है, सो दैट यू कैन गेट अ पेंटिंग इफेक्ट नॉट अ फोटो इफेक्ट। मैं ये सारे जगह में उतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं दिखाना चाहता हूं। अभी तक मैंने दिया में कोई भी कलर अप्लाई नहीं किया, मैं थोड़ा देर में दिया में कलर करने वाला हूं। सो दिस इज दिया में मैंने पहले एक फ्लैट कलर यूज कर रहा हूं, जैसे आप लोग प्लेट में दिखाई दिया। मैं ऑरेंज कलर के साथ जरा सा लाइट ग्रीन को मिक्स करके और उसमें थोड़ा सा रेड मिक्स करके मैंने अप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट टोन एंड आई एम यूजिंग दिस कलर एज द फ्लैट कलर। दिया में पूरा जगह में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मैं फ्लैट कलर कर दिया, और
आई एम जस्ट वेटिंग टू गेट इट राइट. कलर जब तक ना सूखे तब तक मैं सेकेंड टोन यूज नहीं करूंगा. कलर सूख गया, अब इसमें धीरे धीरे मैं डार्क और लाइट यूज करके मैं इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में दिखाऊंगा. अब देख रहे हैं कहीं कहीं थोड़ा सा मैं डार्क बढ़ा रहा हूं और कहीं कहीं लाइट बढ़ा रहा हूं. लाइट का एरिया में मैं येलो के साथ थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करके यूज कर रहा हूं. इसमें ध्यान दें व्हाइट को काफी ज्यादा यूज ना करें डायरेक्टली. मैं बस येलो के साथ थोड़ा सा ही व्हाइट को यूज कर रहा हूं. डिटेलिंग करते समय आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो लाइट दिख रहा है ये है रिफ्लेक्शन का लाइट, यानी कि जो लाइट इसमें गिरा है उस लाइट का रिफ्लेक्शन है, इसलिए उसमें थोड़ा येलो टच होना चाहिए. और लाइट का डायरेक्शन भी आपको दिमाग में रखते हुए करना है. अगर वीडियो अगर अच्छा लगे, पेंटिंग अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. फ्रेंड्स, आप लोगों का मन में अगर कुछ सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर लिखें और मैं जरूर आप लोगों को आंसर देने के लिए कोशिश करूंगा. दिया में जो बत्ती है, बत्ती को भी मैं थोड़ा थोड़ा दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं. जब मैं सेकंड टोन यूज कर लिया और अब मैं थर्ड टोन में हाईलाइट एरिया को मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं. दिया के ऊपर में थोड़ा सा फ्लावर्स रखा हुआ है कुछ, और उनके बाल में भी कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं. उस फ्लावर्स को मैं दिखा रहा हूँ. उस फ्लावर्स को दिखाते समय आप वाइट को डायरेक्ट वाइट लेके सिर्फ पूरा वाइट ना करें, उसमें भी थोड़ा लाइट डार्क दिखाएं, यानी कि कहीं कहीं वाइट के साथ थोड़ा सा हल्का सा ब्लू यूज कर ले, कहीं येलो यूज कर ले. यहाँ वॉल में थोड़ा सा मैं डार्क बढ़ाता हूँ. अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा हेजी कर दें, थोड़ा ब्लर इफेक्ट दिखाएं, ताकि मेरा सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा जाए. दिस इज ऑल ऑफ टू यू. व्हेन यू आर मेकिंग अ पेंटिंग यू हैव विजुलाइज्ड द पेंटिंग, हाउ वुड यू लाइक टू शो इट. आप कैसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैं चाहता हूँ यहाँ थोड़ा डार्क बढ़ाऊँ और मेरे हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है. फ्रेंड्स, इसमें देखें मैं नीचे फ्लोर में थोड़ा कलर कर रहा हूं. जो नेकलेस है, नेकलेस का जो शैडो है उस शैडो को हल्का करके दिखाएं. उसमें भी फ्लैट एक कलर लेके हर जगह में ना करें, कहीं थोड़ा डार्क कहीं लाइट थोड़ा दिखाएं, क्योंकि वो शैडो जो होता है हर जगह में सेम टोन का नहीं होता है. फ्रेंड्स, पेंटिंग में लेडी की फेस आप देख रहे हैं उतना डिटेल्स में पता नहीं चल रहा है ड्यू टू द रॉन्ग लाइट सेटअप. इसमें इतना लाइट गिर रहा है कि बहुत ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए पता नहीं चल रहा है. आई एम सॉरी फॉर दैट. लेकिन जब पेंटिंग मैं क्लोजअप व्यू दिखाऊंगा उसमें आप लोगों को अच्छा से दिखाई देगा. माई पेंटिंग इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, जस्ट थोड़ा थोड़ा मैं फिनिशिंग टच में दे रहा हूँ. ये है हेयर में, हेयर का कलर उतना अच्छा से समझ नहीं आ रहा है इसमें वीडियो में.
My painting is complete. So now let me show you the close-up view of my painting. Hope you will like this. तो फ्रेंड्स, आई होप अभी पेंटिंग आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है, और अगर अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.